صغير ما عرفت مالي بغيتك حبيتك تكوني ديالي نعيش حياتي معاك حلوة بزاف يا حسن عواني لك تروح سلبتي كياني كلمة حبيبي خليت لساني يغني بكل اللغات I need you, حبيبي غنيلي وخليني معاك حبيبي I love you, I need you حبيبي دوبني في نار I play this game closely For the bread and butter, yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat, that's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they gonna have to kill me. I'm talking, they gonna have the army. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, mehle Pakistan. Kya haal hai, jaraam, thik-thaak? Kuch baash umeed karta hoon, bilkul thik-thaak hai. Jahan hai, mere saath-saath hai. Hume kehte hai, FM 101 Channel Pakistan. Mujhe kehte hai, Zeeshan Nasir, Rawal Bindi, Islamabad. कश्मीर और पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर जहां जहां पर आप हमें सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए FM 101 चैनल पाकिस्तान को साथ रहेगा ठीक है अब से लेकर कब तक अब से लेकर दो बजे तक प्रोग्राम में बहुत कुछ सुनने को सुनाने को हंसने को हंसाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो तमाम बातें जो की आप सुनना चाहते हैं जो की आप करना चाहते हैं दो प्रोग्राम का हिस्सा होंगी प्रोग्राम में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपको बोर करे या फिर ये जो आपका वीकेंड एंड हो चुका है इसको मजीद बदसूरत बनाया आपके लिए गमजदा बनाया आपके लिए ऐसा कुछ नहीं होगा आपके मूड को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर फिर भी भरपूर हमारी कोशिश के बावजूद अगर आपका नहीं उठता मूड की बात कर रहा हूँ तो फिर इस वक्त मेरा ख्याल से इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं तो 6-7 स्टेशन तो चल रहे हैं और ट्यून इन कर लें अगर हिम्मत है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सुनना चाहते हो तो बिकॉज when the fun comes through live and the people like you start styling with the shining frequency that is called FM 101 channel Pakistan with me of course yours very own buddy Zeeshan Nasir is in the house guys till zigzagly 12 AM पे मुझे आना था मैं आ गया था अपना म्यूजिक प्ले कर रहा था माहौल बना रहा था ना वो कहते हैं माहौल का क्या है कभी भी बना लेंगे जिंदगी में आप किसी को और कुछ करने दें या ना दें मूड जरूर बनाने दें चाहे आप खुद बना लें उनको मूड बनाने दें अच्छा हाँ तो मैं ये कह रहा था कि 2 बजे तक आपका मेरा साथ है टेंशन नहीं लेनी और मैं बैठा ना सबसे पहले तो जरा ये जो म्यूजिक है ना इसको थोड़ा एंजॉय करते हैं उसके बाद फिर मुझे पता है कि आज आपके दिल में बड़े कोई गहरे फट लगे हुए हैं मुझे पता है आप हर बंदा जो है इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट बना हुआ है टेंशन नहीं लेनी करेंगे मुझे पता है कि आप मेरा एनालिसिस चाहते हैं आप चाहते हैं कि हम जरा उसको भी डायसेक्ट करें सब कुछ करेंगे और इस गाने के बाद एक गाना मैंने प्ले करना है एक बड़ी स्पेशल पर्सनालिटी के लिए अल्लाह खैर करे उस तो बात की हुंदा मैंने नहीं पता लेकिन मैं करना है प्ले When I say I love you, I mean it deep. Exactly, when I say I love you, I mean it deeply. Game closer for the bread and butter. Yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat. That's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they gonna have to kill me. I'm talking they gonna have the Army, Marine, Navy, SEAL me. Yeah, the world knows Pit, but babe, you know the real me. Play any hand that they deal me. So tell the dealer he gon' have to deal with me. Even when you're gone, I'ma hunt you like a Chris Webber timeout final vote. So till the sky comes crashing down, world falls apart. Till death do its part, you my heart for sure. Habibi.
कॉल शॉल करनी है प्रोग्राम में यार, ना करो क्या करोगे करके मुझे सुनो ना यार, ऐसा करनी है चलो बताता हूँ नंबर। उसके अलावा मैसेज कर सकते हो यार, ये मैसेज वाले मुझे लोग इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि एक तो चुपचाप अपनी बात करके चले जाते हैं। सबसे मजे की बात ये है कि मैंने अभी प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं किया होता, मैसेजेस आना शुरू हो चुके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैयदा सिमरीन फ्रॉम इस्लामाबाद सेइंग, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। किरण राहिल हमारे साथ हैं, जुफीशा हमारे साथ है रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं? जिशान भाई मेरे इंटर का रिजल्ट आया है और मेरे 962 मार्क्स आए, इतने में तो चार लड़के पास हो जाते हैं। लड़की भाई मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्लीज कोई दुआ दे, इसके बाद तुम्हें मेरी दुआ की क्या जरूरत है बहन? किरण रहील वंस अगेन। अच्छा सैयदा समरीन कह रही है मुझे फानी के प्रोग्राम की टाइमिंग बता दे। बच्चे मुझे नहीं पता, मैं अपना प्रोग्राम कभी मैंने जिंदगी में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, तो मैं रेडियो नहीं सुनता। युति हमारे साथ मौजूद है, कह रही फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, आवाज बहुत अच्छी है। आजरा अली हमारे साथ है, आयशा फ्रॉम गुजर खान, हे जिशान हे आयशा, अस्सलाम वालेकुम जिशान, आई एम किरण रियाज फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन। सामने दिस दियां बेरियां, ओ सामने दिस दियां बेरियां, वे इत्थे मैनू ला जा। मनाल खान हमारे साथ हैं, तथीरे ज़ैनब फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ब्लेस्ड यू अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, मोस्ट ऑफ ऑल योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड द वे ऑफ टॉकिंग, बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू जी। किंग आरजे हैं आप, मारिया रहमान फ्रॉम नौशहरा, थैंक यू। आयत हमारे साथ है, हे हाउ आर यू? आई एम गुड आयत, अस्सलाम वालेकुम जीशान, कैसे हैं? जब आपने रेडियो करने नहीं आना होता तो काइंडली फैसल मस्जिद में ऐलान तो करवा दिया करें ना, हमें पता चल जाए। सैयदा हलीमा हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा जी, गाना मैंने ये प्ले करना था, गाना प्ले होगा, आप मुझे बताएं कि गाना किसके लिए प्ले किया है मैंने या किसके लिए प्ले होना चाहिए आज। डैन 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 और आज तो इस बंदे ने कह दिया है कि टन टन टन, आगे आप समझ जाएं खुद। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट फॉर नन अदर देन द मोनार्क हिमसेल्फ, द वन ऑफ हिज ऑन काइंड। बात यह है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट मौजूद है, हम खुले दिल से इस चीज का एतराफ करते हैं कि देयर वाज ओनली अ वन मैन टुडे हु टुक द गेम अवे फ्रॉम अस। यस आई एम टॉकिंग अबाउट द किंग रन मशीन विराट कोहली। और एक बड़ा ना इस बंदे के साथ एक बड़ा एक कह लीजिए कि एक बड़ा सिलसिला है, अगर आप इससे सीखना चाहें ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मेन स्ट्रीम जो परफॉर्मेंसेज होती है ना वो कोई इतनी ज्यादा आपको सिखाती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग अ क्रिकेटर, लाइक इनकी जो क्रिकेटिंग स्किल्स हैं हो सकते हैं मैं उनसे कुछ ज्यादा सीख ना सकता हूँ बिकॉज मेरी फील्ड नहीं है ना, मैं प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी आपको बहुत कुछ सिखाती है, तो विराट कोहली इज वन ऑफ देम। जैसे शाहरुख खान है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्टर नहीं भी हैं तो भी उनकी पर्सनैलिटी आपको बहुत कुछ सिखाती है। फवाद अफजल खान है पाकिस्तान में, आतिफ असलम है, अली जफर है और बहुत सारे लोग हैं, आबिदा परवीन जी, आई मीन यू नेम इट, बहुत सारे लोग ऐसे ना कि आपको उनकी पर्सनैलिटी बहुत कुछ सिखाती है। एक और शहजादा भी है हमारा पाकिस्तान में, उनकी पर्सनैलिटी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। बारल बार कैफ, राइट नाउ दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट फॉर विराट कोहली। कहां पर क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन दिस मैन हैज लिटरली गॉट द नर्व्स ऑफ स्टील। 3 साल बंदा जो है परफॉर्म नहीं करता रहा, नहीं कर सका, कोशिश करता रहा, बार बार जो है फेल होता रहा, बार बार अपने आप को ट्रेन करता रहा, मैदान में लाता रहा, and finally it took off now and today the only thing was standing between Pakistan and the win is I have vision, no, I believe. In fact was that was Virat King Kohli, so stand up, so exactly stand up for the champion, can count on me, so stand up for the champions, for the champions, stand up. Stand up, stand up for the champions, for the champions, stand up for the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. Here we go. Getting close, now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is, 'cause we have our strengths and weaknesses. Oh.
Oh, I have vision, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champion, for the champion. Stand up, stand up, stand up. Okay, जी, अब अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मैच की, तो अगर तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान टॉस आ रहा है, टॉस के ऊपर आपका कोई जो है वो ग्रिफ नहीं होती है, टॉस के ऊपर आपका कोई इख्तियार नहीं होता है, किस्मत की बात है आप हार गए, आपको पहले बल्लेबाजी करने की दावत दी गई इंडिया की जानिब से। खैर, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 150 भी बड़ी मुश्किल से कर सके, लेकिन थैंक्स टू इफ्तखार साहब, बड़ा अच्छा उन्होंने जो है आकर हार्ड हिटिंग का मुजाहिरा किया और पाकिस्तान को 160 के करीब किया, एंड ऑब्वियसली थैंक्स टू द कैमियो ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, बड़े अच्छे अंदाज में जो है 160 तक हम पहुंच गए, 160 पिच को देखते हुए, बिकॉज अर्ली ऑन जब मैंने मैच देखा था तो भुवेश्वर कुमार जो उनके बिल्कुल सेम बॉलर हैं, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलर नहीं है वो, सेम गोज फॉर शामी, लेकिन उनका बॉल भी इतना स्ट्रांगली मूव कर रहा था विकेट की दोनों तरफ, तो उससे अंदाजा हो गया था और लिटरली मुझे अंदाजा था कि अगर पाकिस्तान 160 तक भी ले जाता है स्कोर को, तो हिंदुस्तान के लिए इस मैच को जीतना आसान नहीं होगा। यही बात उनके कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी कही। तो बार कैफ, जब 160 बन गए थे मुझे अंदाजा था कि द मैच इज ऑन नाउ। गलती हमारे से कहां पर हुई? गलती हमारे से यहां पर हुई कि हमने प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं खिलाया, यानी कि अगर आज आप देखते हैं तो एक पॉइंट था जहां पर बाबर आजम ढूंढ रहे थे कि वो एक ओवर जो नवाज का बच गया है वो अब मैं कहां निकालूं, मतलब किस तरह से उसको जो है वो ओवर निकालूं, एंड अल्टीमेटली उनके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उनके पास प्रॉपर पांचवां बॉलर मौजूद नहीं था। नवाज जो है इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, लेकिन वो उस तरह के बॉलर नहीं है कि जो यू नो इन एवरी मैच वो जो है वो आपको गेम जितवा कर देंगे, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं या नसीम शाह हैं। So, जो सबसे बड़ी गलती हुई, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरी राय कोई बहुत ज्यादा मुस्तनद इसको ना माना जाए, लेकिन ये मेरी एक अपनी सोच है, अप्रोच है, आप चाहे तो डिसएग्री कर सकते हैं। पहली गलती टीम मैनेजमेंट से टीम सिलेक्शन में हुई, एक प्रॉपर बॉलर चाहे वो धानी की सूरत में होता चाहे वो वसीम जूनियर की सूरत में होता, वो होना लाजिम था, वो हमने मिस किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने गेम बना ली थी ऑलमोस्ट 31-4 आउट कर लिए थे, अब हमारा मसला ये है कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, ट्रस्ट मी, मैं मैच देख रहा था, मेरे दोस्त मौजूद थे, दे वर लाइक रियली हैप्पी कि जनाब बस पाकिस्तान तो मैच जीत चुका है, विराट कोहली, मैं बार बार उनको ये कह रहा था कि विराट कोहली जब तक क्रीज पे मौजूद है आप कभी भी इस बंदे को अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते, यू कैन नॉट टेक अवे दिस मैन आउट ऑफ द गेम एट एनी पॉइंट, जब तक ये बंदा क्रीज पर मौजूद है, अगर ये बैट कैरी करता है अपना तो ये हिंदुस्तान को फतह दिला कर आएगा, अल्टीमेटली अगर आपको मैच जीतना है तो उस बंदे को आउट करना बड़ा जरूरी है, पर दे वर लाइक नहीं जी अब तो डॉट शुरू हो गई हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सो आई गेस ओके फाइन ठीक है देखते हैं, एंड सेम वही हुआ जिसका डर था। अब यहां पर हुआ क्या, हुआ ये कि जब 31 पे आपके 4 आउट हो गए हैं और सबसे ज्यादा वो जो रिलाय कर रहे थे हिंदुस्तान की जो टीम है वो विराट कोहली से ज्यादा सूर्य कुमार जो उनके बैट्समैन थे उनके ऊपर रिलाय वो कर रहे थे क्योंकि उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन जब वो आउट हो गए, हारिस रऊफ ने उनको बड़ा अच्छा बॉल कराया और फिर एज लगा और रिजवान ने कैच कर लिया, जब वो आउट हो गए थे तो 70% हिंदुस्तान की टीम जो है वो उसी वक्त लड़खड़ा चुकी थी, प्रेशर में आ चुकी थी, उस वक्त बाबर आजम को चाहिए था कि प्रेशर को बिल्ड करते, फील्डर्स ऊपर लेकर आते, अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स से बॉलिंग करवाते और कोशिश करते कि विराट कोहली की विकेट ली जाए। बाबर आजम ने वही गलती की जो लास्ट ईयर उन्होंने सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की थी, कि प्रेशर बनाकर जब प्रेशर बन गया उसके बाद फील्ड खोल दी और सिंगल डबल करके विराट कोहली जब जम गए उनको बॉल प्रॉपर नजर आने लग गया फिर उनको आउट करना जो है वो मुश्किल हो गया। तो पहली गलती टीम मैनेजमेंट, प्रॉपर फास्ट बॉलर नहीं खिलाया, दूसरा जब एक प्रेशर बिल्ड हो चुका था तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था, विराट कोहली के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए था, उसको अंडर एस्टिमेट किया है हमारी टीम ने, आप माने या ना माने, उनको लगा कि 4 ऊपर से आउट हो गए बस अभी टुक टुक खेलता रहेगा, ऐसा नहीं होता, वो विराट किंग कोहली है। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं, तीसरी गलती जो बिल्कुल एंड पर हुई आकर वो ये हुई कि जब आपको अंदाजा हो चुका था कि अब ओवर्स जो हैं वो आपके पास ऐसी नहज पर पहुंच चुके हैं कि नवाज को एक ओवर करवाना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी आपके जो बॉलर्स हैं उनके 4-4 ओवर्स कंप्लीट हो चुके हैं,
तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक खेलना चाहिए था, वो ट्रिक ये खेलना चाहिए था कि नवाज को आपको सेकंड लास्ट ओवर दे देना चाहिए था और नसीम जो है उसका ओवर बचा लेना चाहिए था लास्ट के लिए, स्वाइप कर देना चाहिए था। इससे होता है कि फॉर एग्जांपल अगर 16 रन पड़ भी गए हैं तो वो अगर पहले पॉइंट पर पड़ते लाइक सेकंड लास्ट ओवर में पड़ते और आखिरी ओवर में इसी तरह 14-15-16 रन दरकार होते तो फास्ट बॉलर को हिट आउट करना मुश्किल होता। तो एक ट्रिक वो मिस कर गए क्योंकि उनका जो हौसला है वो बढ़ा ही वहां से जहां पर उन्होंने हारिस रोफ को सेकंड लास्ट ओवर में 2 छक्के लगाए। विराट कोहली ने मैन ऑफ द मैच की सेरेमनी में ये बात कही कि जब मैंने हारिस रोफ को 2 छक्के लगाए तो मैंने अपने पार्टनर बैट्समैन को कहा था कि अब ये टीम पैनिक कर जाएगी क्योंकि ये इनका प्रीमियम फास्ट बॉलर था, जब मैंने इसकी कुटाई लगा दी है तो अब नेक्स्ट जो भी बॉलर आएगा वो इतना प्रेशर में होगा कि हम उसको हिट आउट कर सकते हैं। मजे की बात है कि नवाज तो उससे पहले भी एक ओवर में 22 या 20 रन दे चुके थे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 16 रन दरकार भी था तो एक बैट्समैन को ऑटोमेटिकली ये थॉट होता है कि यार इस बॉलर को तो मैंने अभी 18 रन मारा है तो 16 रन मारना मुश्किल नहीं है। अच्छा एक और चीज मुझे ये बताएं कि जब लास्ट ओवर हो रहा था रिजवान भाई कितना विकेट से दूर जाकर कीपिंग कर रहे थे, ऑल्दो कि स्पिन बॉलर बॉलिंग कर रहा था, यानी कि जब आप बिल्कुल विकेट से दूर हो गए हैं और स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो बैट्समैन तो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, उसने कहा यार मैं निकल के भी मारूंगा आगे तो मैं आउट नहीं हूंगा, स्टंप नहीं हूंगा। और अगर आप गौर से देखें तो पहला बॉल जिसमें सिंगल मिला है विराट कोहली को वो बड़ा गुस्से में थे कि यार मैं आगे निकल के खेला भी हूं और बल्ले पे बॉल आया नहीं, अगर वो चढ़ जाता तो ये छक्का था, ये दो बॉल्स पहले गेम खत्म हो जाना था। अच्छा जी अब यहां पर करना क्या चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, फॉर एग्जाम्पल अगर ओवर्स खत्म भी हो गए थे आप, फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम जो है उनके जेन में ये थॉट था कि यार कहीं सेकंड लास्ट ओवर में बहुत ज्यादा नवाज को स्कोर ना पड़ जाए और आखिरी ओवर में फास्ट बॉलर डिफेंड ना कर पाए, तो ऐसा करते हैं कि फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवाते हैं और ज्यादा स्कोर रह जाएगा तो फिर स्पिनर जो है शायद उसको 16 रन या 17-18-19 रन ना पड़े। अब यहां पर सीन ये था कि इतने हाई वोल्टेज प्रेशर गेम में जहां पर 1 लाख बंदा स्टेडियम में मौजूद है आप ट्रिक करते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता चल चुका है कि नवाज को ये बैट्समैन 18-19 रन मार चुके हैं 2-3 ओवर्स पहले, तो आपको चाहिए ये था कि आप वहां पे ट्रिक खेलते हो। ट्रिक ये था कि आप किसी भी नॉन बॉलर जैसे फॉर एग्जांपल इफ्तिखार है, ही इज नॉट अ नॉन बॉलर लाइक वो प्रॉपर ऑलराउंडर है, प्रॉपर बॉलिंग करते हैं, प्रॉपर स्पिनर है वो, बल्कि अच्छी खासी विकेट्स ले रखी है उन्होंने फर्स्ट क्लास में, इफ्तिखार को बॉल दे देते। अब होता है ये कि जो दूसरे बैट्समैन है जो स्ट्राइक एंड पे है उसको ये होता है यार ये जो बॉलर है जिसको मैंने 16-17 मारा है ये इसको तो मैंने मार लिया था, इसको तो मैंने खेला था, लेकिन अब इफ्तिखार पता नहीं अभी कैसी बॉल करता है कैसे नहीं, तो 1-2 बॉल तो उसमें निकल जाते हैं। तो वहां पे जो ट्रिक थी वो मिस की बाबर आजम ने। जाहिर है जिस तरह वो आगे प्रोलॉन्ग करेंगे चीजें जो है वो बेहतर होंगी, सीखेंगे। वर्ल्ड कप इज नॉट ओवर येट, वर्ल्ड कप इज फुली ओपन नाउ और चांसेस हैं कि शायद पाकिस्तान दोबारा जो है वो हिंदुस्तान से मुकाबला करे सेमीफाइनल में। लेकिन द पॉइंट जो मुझे यहां पर अभी एक बात कहनी है वो ये कहनी है कि यार ठीक है हार गए कोई मसला नहीं है, मैच था, हार जीत चलती है, कोई मसला नहीं है, हम जीतेंगे भी हारेंगे भी, लेकिन ये जो मैच के बाद टीम मेंबर्स दुखी दुखी तस्वीरें निकालते हैं ना, अब जैसे अभी एक पिक्चर जो है वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि मोहम्मद नवाज कोने में बैठ के सर पे हाथ रख के बैठे, यार कम ऑन यार, मतलब ये हमें अब ये इमोशनल ड्रामेबाजी से बाहर निकलना चाहिए। गेम था, आपने अच्छा नहीं खेला, अगले ने बहुत अच्छा खेला, जीत गए, दैट्स इट। अब आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है तो उस क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर बिल्कुल सीना तान के उसको एक्सेप्ट करें, अच्छा ट्रेन हो और नेक्स्ट गेम में उसको इंप्रूव करें, दैट्स इट। जैसे विराट कोहली 3 साल से करता आया, आप 3 साल में कोई एक पिक्चर मुझे उसकी दिखा दें कि वो कोने में जाके बैठा जो है सर पे हाथ रखे रो रहा हो, मतलब वो जब भी आउट होता था बेचारा जिम में जाके जिम की वीडियोस पोस्ट करता था कि मैं मजीद ट्रेन करूंगा अपने आप को। तो ये लिटरली होता रहा है, जैसे अभी लास्ट वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ तो वो हसन अली की रोने की तस्वीरें जी ड्रेसिंग रूम से शाया होनी शुरू हो गई, कोने में बैठ के रो रहे हैं। अभी शाहीन शाह अफरीदी की जो है वो कोने में बैठ के तस्वीरें निकलना शुरू हो जाती हैं कि वो रो रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमें इमोशनल कम से कम मुझे तो जाती तौर पे ये कोई इतना अल्लाह माफ करे कुफर इस्लाम की जंग तो नहीं थी, दैट्स जस्ट अ स्पोर्ट्स। अगले बंदे ने अच्छा खेला, बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट आप शायद माने या ना माने प्लीज मेरी हुबल वतनी पे शक ना कीजिएगा, बट द वे विराट कोहली वाज प्लेइंग ही डिजर्व टू विन यार, मतलब जिस तरह वो बंदा एथलेटिज्म का मुजाहिरा कर रहा था इतनी प्रेशर क्रंच गेम में, खुदाई कसम कोई और टीम का बैट्समैन होता उसको तो 4 दफा तो क्रैम्प पड़ जाने थे, इतना फिट है माशाल्लाह विराट कोहली के पूरी इनिंग में इतना हाई प्रेशर वोल्टेज गेम में 1 दफा भी वो बैठा नहीं है, क्रैम्प नहीं पड़े उसको, दैट शोज हाउ फिट ही इज। तो
इट इज प्रीटी सिंपल. आपसे गलतियां हुई, आप नेक्स्ट मैच में कोशिश करें उन गलतियों को ओवरकम करें, रादर देन कि आप दुखी सैड रोने धोने की तस्वीरें ड्रेसिंग रूम से निकाल रहे हैं. और पाकिस्तानी आवाम को भी चाहिए फिर, अच्छा पाकिस्तानी आवाम उस पे कम ऑन नवाज, यू विन अस सो मेनी मैचेस. तो भाई जो प्लेयर होता है उसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि उसने जीतना है. मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं होता कि अगर 10 मैच है तो 10 मैचों में से वो कहेगा अच्छा चलो 8 मैं जीत लेता हूं 2 हारता हूं. ऐसा नहीं है. अगर एक अच्छा और प्रॉपर एथलीट होता ही वो है जो 10 मैच खेलने जाता है तो 9 जीत चुका है तो 10वें में भी वो जीतने ही जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज हाउ इट गोज. बाकी कोई इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई जिंदगी मौत की बात नहीं है. इंशाल्लाह 27 को दोबारा मैच है, पाकिस्तान जो है कमबैक करेगा. और मैंने जैसे कहा कि चांसेस हैं कि शायद इस टूर्नामेंट में दोबारा हिंदुस्तान से मुकाबला हो जाए, दोबारा खेलेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह जैसे एशिया कप में हुआ. लेकिन विराट कोहली लव है यार. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is. Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, oh, can't you see? I'm on the move, make way for me. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions. हमजा कह रहा है कि हम सेमीज में नहीं खेल सकते इंडिया के साथ क्योंकि एक ही ग्रुप में है, प्लेऑफ्स नहीं है इसमें. सॉरी मुझे चूंकि पता नहीं है प्लेऑफ्स हैं या टॉप फोर का सेमीफाइनल करवाएंगे. अगर तो प्लेऑफ्स हैं, प्लेऑफ्स में तो खेल सकते हैं ना, कि अगर एक क्वालिफायर में चला जाए एक एलिमिनेटर में चला जाए तो आगे जाके उसमें हो सकता है मुकाबला ना. तो उसमें क्या है, क्वालिफायर्स वाला सिस्टम है या फिर प्लेऑफ्स वाला सिस्टम है या फिर सेमीफाइनल वाला सिस्टम है, मुझे पता नहीं है. चलो फाइनल में मिल सकते हैं. आरजू इश्क कह रही है सर आज मेरी बहन की इकरा बतूल की सालगिरह. चुप कर यार, इधर इधर cuz we have our strengths and weaknesses. इधर आपको सालगिरह की पड़ी है. Can't you see? बिल्कुल आखिरी लम्हात में मैंने ब्रेक लगाई है. Make way for me, stand up for the champions, for the champions. अच्छा यार तुझे विश कर लेते हैं तेरी बहन को पहले. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी पार्टे टू यू, हैप्पी पार्टे, हैप्पी पार्टे, हैप्पी पार्टे टू यू. मे यू हैव मनी मोर, मे यू हैव मनी मोर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. जब मेरे किसी ऐसे दोस्त की बर्थडे होती है जो पिंडी वाला होता है तो हम उसको ऐसे विश करते हैं. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी पार्टे वीर जी, हैप्पी पार्टे संगी जी, हैप्पी पार्टे टू यू. और जब किसी अमीर दोस्त की DHA में बर्थडे होती है, क्योंकि हमें पता होता है बर्थडे तो सिर्फ बहाना है, उसके बाद आफ्टर पार्टी पे जाना है, तो हम उसको विश करते हैं कुछ इस तरह. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू. आई लव यू, आई नीड यू, हबीबी, डू इट मी. जिंदगी में ना पार्टी में इंटरेस्ट रहा ही नहीं. मैंने हमेशा अपना फोकस आफ्टर पे रखा है. मैंने जिंदगी में कभी इस चीज पे फोकस नहीं किया कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है. मैं जरा थोड़ा सा वखरे टाइप का आदमी हूँ. Like to go in the parties. मैं अक्सर जगहों पर कहता हूँ, लोग कहते हैं कितना अच्छा आदमी है. मैं कसम उठा सकता हूँ यार. I don't like to go in the parties. Because I like to go. And after party.
قبلك تروح سلبتي كياني كلمة حبيبي خليت لساني يغني بكل यार तुम लोग कह रहे हो कि बहुत अरसा हो गया मैंने कोई अपनी तस्वीर नहीं डाली, आज की तस्वीर डालते हैं यार, आज की ही तस्वीर डालते हैं यार। आज भाई तुम्हारा बड़ा लशपश हो गया ना, इवेंट पे गया बड़ा तैयार हो गया, पप्पू लग रहा था, अब लग रहा था या नहीं लग रहा था, मुझे तो लग रहा था, तुम्हें अगर नहीं लग रहा तो आंखों का इलाज करवाना। ठीक 1 बजे पिक्चर अपलोड करेंगे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा नाम जिशान नासिर है, आप सर्च कर सकते हो इंस्टा के ऊपर, अगर करना चाहो फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो वहाँ पे। ठीक अब से 22 मिनट के बाद हम पिक्चर अपलोड करेंगे अपनी। भाई तुम्हारा आज के दिन भी काम कर रहा था यार, अच्छा है मैं चला गया। अच्छा पहले ना मैं कल रात को सोच रहा था, मैंने कहा यार ऐसा है कि चल थोड़ा सा कोई बहाना बनाते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे, मैंने कहा नहीं यार कमिटमेंट हुई हुई है, बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई सही किया मैंने। और वैसे भी अब तो बंदा हाइलाइट्स भी देख लेता है, जैसे मैच भी जाता है, पैसे भी जाते हैं, बुरा लगता है बंदा। और रही बात अगर आज आप देसी अंदाज में पूछना चाहते हैं कि क्या मसला था, तो मसला ये था कि दलेर हो गए नहीं खेले हैं लड़के, यार लड़के दलेर हो गए नहीं खेले हैं यार। शहीन जाब ऋतिक को चाहिए अपना गोटा मजबूत करे यार, उसके खुन्ने सेक दे यार, तगड़ा होना पड़ता है यार। मैं गन्ने के जूस वाले को मैंने कहा मुझे जूस बुला, मैं स्टार बन के ना तुझे जो है वो एक नई मशीन ले दूंगा, लेकिन मैंने अगली दफा जब ये कहानी सुनाई ना तो मैंने यही कहानी जो है वो बग्गी वाले के वाले से सुना दी। मैं ये सेम कहानी कोई 5-6 जगह डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ सुना चुका हूँ, याद ही रह जरा, गोटे खराब है, जेन भी खराब है, जरा खुन्ने सेक देता हूँ। Closer for the bread and butter, yeah they try to toast me, I'm married to the game but the game don't love me, it'll leave me in a heartbeat, that's why I'm cold-blooded, when I say I love you I mean it deeply, I can't see life without you living with me, and if you love someone I know you feel me, when I say before they take you they gonna मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा मोहम्मद आसिफ पे है, यकीन करें मतलब। अच्छा चले मुझे छोड़ दें, आप कहेंगे यार बंदा बायस्ड है, इसको तो शुरू से ही पसंद है ना कोहली इसलिए आज बात कर रहा है। आप खुद सोचें कि जो गेम के साथ किया है आसिफ भाई ने, ठीक है वो सजा काट चुके सब कुछ हो चुका, बट व्हाट इज सेड अबाउट द कोहली एट दैट टाइम, आपको लगता है मतलब कमाल है यार। Okay guys, I'm gonna play something awesome. Lag gaya to, oh lag gaya. Here comes a hit after hit, one after another. That's how I play music. That's how I mix music. Or should I say, play with the music? Party karni hai, party karni hai. Come on. Twak, 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 twak. सवाल आया है मैसेज के ऊपर के व्हाई यू लाइक आफ्टर पार्टी मोर रादर देन द पार्टी, बिकॉज आफ्टर पार्टी में लोग कम होते हैं, शोर ज्यादा होता है। हे ब्रो कैसे हैं, इट्स मी रुताबा क्विटा से। नबीला आप कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हसना मरीज हमारे साथ है सीनियर फ्रॉम गुजर खान। मायरा हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम इस्लामाबाद। हे जिशान वुड यू लाइक टू गो, अरे पार्टी की हो रही है, मायरा इज सेइंग वुड यू लाइक टू गो अ पार्टी ऑन मी विद मी, आई थिंक आप लिखना चाह रही थी। खैर कोई बात नहीं, हो जाते हैं मसले, हो जाते हैं जब बंदा गूगल से कॉपी पेस्ट करता है ना अंग्रेजी को तो हो जाता है। अगर आप ये लिखना चाहती हैं कि इफ आई वुड लाइक टू गो ऑन अ पार्टी विद यू, सो द आंसर इज नो।
तेरे बिना लगे ना मोरा जी टप है तो रंगों से भी ज्यादा शोख लगती तो पहले अंग्रेजी सही करो अपनी अच्छा ये जिशानियन सारा सारा सब पता है इनको यार मतलब सारा भी कमेंट कर रहे हैं अच्छा जी हाँ ये पार्टी कहाँ भी है ऐसी घर के अंदर फलाना मतलब बिल्कुल पता सबको सब कुछ है मैं अपनी तरफ से ओपन सीक्रेट समझ के बच्चे हैं इनको कुछ समझना है क्या बात है यार है तो रंगों से भी ज्यादा शोख लगती और रह के भी सादा गाड़ी का पता एक दौर में ना उनका एक स्लोगन था वो स्लोगन ये था कि यस वी आर एक्सपेंसिव सपना हो घर एक अपना आए हाय मेरा एक सपना हो घर एक अपना छाई हो बाहर जहां ना हो इंतजार जहां मेरी कहानी तेरे साथ मेरी जानी मेरी जान तुम हंसी सबसे ज्यादा शोख लगती और रह के भी सादा साथ साथ शामिल करते हैं आप लोगों के मैसेजेस जो आप मुझे भेज रहे हैं साथ साथ फेसबुक कमेंट शामिल करते हैं यार फेसबुक कमेंट शामिल करते हैं आज हम फेसबुक कमेंट शामिल करते हैं किधर गए कमेंट 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 प्रेदा आरजुएश हमारे साथ है आपने मेरा कमेंट पढ़कर मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है चल अगली दफा ना पढ़ के सबसे बड़ा दुख दूंगा आयशा चौधरी हमारे साथ हैं किरण राहिल हमारे साथ हैं छाई हो बाहर जहां ना हो इंतजार निम्रा राजपूत सिंह जिशानियन जिशानियन हैं हम आपके फैंस हैं बच्चे नहीं हो सकते रुबाब मलिक हमारे साथ हैं इनके साथ साथ मारिया रहमान इज सेइंग किंग आरजे आप बहुत नॉटी हैं मैंने क्या किया है मैंने कोई शरारत की है हमजा तुम बताओ अभी तक कोई शरारत की है मैंने तनवीर तानी हमारे साथ हैं तनवीर क्या हाल है जिगर फिटो शायरी नहीं सुनाते आजकल हैं मेरा एक सपना माहीन अर्शद इज सेइंग आपके स्टूडेंट है ना आजान अली हमारे साथ है मेरे से और तो कुछ सीखा नहीं तुमने मरियम मुकद्दस हमारे साथ है जारा मलिक हमारे साथ है हमजा जईद कमेंट कर रहे हैं परी सती हमारे साथ है अच्छा सती तीन दफा लिखा है क्या ये लिखा है क्या जो कबूले कबूले कर रही हो परी सती 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 और सट सती हमारे ना एक दूर पार के रिश्तेदार थे गांव से जब भी आया करते थे ना उनको लूडो खेलने का बड़ा शौक था तो जब भी हमारे साथ लूडो खेला करते थे और अगर तीन के ऊपर गोटी अटक जाती थी ना और उनको तीन चाहिए होता था तो कहते थे भिड़न तीरी थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था और वो इतने मासूम थे मैं बेवकूफ कहना चाहता था लेकिन चले हो सकता है सुन रहा हूँ इतने मासूम थे कि हम उनके सामने दो दो गोटियां जो हैं वो अपनी बाहर वाली अंदर कर लेते थे उनको पता नहीं चलता था ये टैलेंट मुझ में अभी तक है मैं एकदम जो है वो अंदर कर देता हूँ गोटी और जब भी मैं लूडो खेल रहा हूँ पता नहीं चलता है अगले बंदे को पता तब चलता है जब उस गोटी से मर जाती है और गेम बिल्कुल एंड होने वाली होती है वो सोचता है कि ये आया कैसे है उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है ना तो रंगों से भी ज्यादा शोख लगती और रह के भी सादा वह
फिलहाल यहाँ पर आपको ये बताते चले जनाब, द लेजेंड ऑफ मोला जट ने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है ऑल ओवर द पाकिस्तान, नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर लगाई जा रही है 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। अगर आप ये पूछना चाहें कि मैंने फिल्म देखी है या नहीं, मैंने फिल्म देख ली है जी, और अच्छी फिल्म है, मजेदार फिल्म है, आप जरूर जाकर देखें। और फवाद खान है तो फिर उसके अलावा तो कोई वजह चाहिए नहीं आपको देखने के लिए, खास तौर पे जब वो कहते हैं ना कि नत्ता नु जाके दस दे के जट दा इंसाफ कब्रू बाहर आ गया है। आए होए तेरे बिना लागे ना मोरा जिया, दर्शन अली कह रही है हम लोग बर्थडे पर लूडो का कंपटीशन ही रख लिया करें, मैं किस किस का साथी बनूंगा, हर किसी के साथ तो साथी नहीं बना जा सकता ना। वजिया शोएब हैं हमारे साथ। निम्रा राजपूत कह रही है मैं मुंह पे हाथ रख के हंस रही हूँ, चलो अच्छा है तुम पैरेलल कर रही हो, वरना अक्सर मुंह पे हाथ रख के रोया जाता है। आंखों से मस्ती है झलकती, लवली यू बेस्टी हमारे साथ मौजूद है, कह रही है कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम उठा के रखो जी, उठा के रख रहा हूँ जी, अच्छा काम मिले तो सही। होठों पे मल्हार है, गालों पे सिंगार है, तेरी तरह तो कोई और नहीं लगती, रंगी है तो रंगों से भी ज्यादा शोख लगती, और रह के भी सादा, ले जाएंगे तुझको उठा के तेरे बिना लागे ना मोरा जिया, रंगी है तो रंगों से भी ज्यादा शोख लगती, और रह के भी सादा। नहीं चलता एक्चुअली, अभी स्टूडियो आने से पहले मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो यार कहीं पर रुक कर कुछ खा लेते हैं, तो रस्ते में मुझे एक अफगानी बर्गर वाला मिला, तो जिससे मैं अमूमी तौर पे खाता हूँ वो बंद था, उसके पास खत्म हो चुके थे, बिल्कुल उसके सामने एक बर्गर वाला, मैंने कहा चलो बर्गर ही तो खाना है, ये कौन सा उसके अंदर हिरन का गोश्त डालता, तो हम उसके पास चले गए, उसने बर्गर बनाया, हम बर्गर खाने लग गए। आप यकीन करें कि कोई 19-20 का ही फर्क होगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, और मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि समटाइम ऐसा होता था कि उसके पास खत्म हो जाता था तो मैं चला जाता था कि नहीं यार उससे नहीं लेना। So, मैंने कहा यार टेस्ट तो सेम ही है इसका। अब ना मैं ये बात कर रहा हूँ लाइक उससे नहीं कर रहा, मैं अपने जहन में सोच रहा हूँ, तो वो अब भाईजान ने बोलना शुरू किया, भाई मेरा बर्गर बहुत अच्छा होता है, वो सामने वाले का बस वो बड़ा दुकान है ना, तो बस वो इसलिए बिक जाता है उसका, वरना यकीन करो मैं कोई ऐसी चीज पैदा करूं जिससे मैं बहुत इधर कुर्सी वगैरह लगाऊं, अपना जो सामान है ज्यादा कर लूं, तो मेरा उससे ज्यादा बिकेगा, उससे ज्यादा अच्छा मेरा बर्गर होता है। आप खुद बताओ ना, देखो मैं इसमें न्याज बोर डालता है, मैं इसमें लहसुन डालता है, प्याज डालता है, मैं इसमें अच्छा आलू डालता है, सॉसेजेस डालता है, अच्छा अच्छा ब्रांड वाला सॉसेजेस डालता है, रूटी रूटी में इसमें बिल्कुल ताजा रूटी डालता है, गरम रूटी डालता है, वो पुराना सुबह का रूटी रखता है और फिर उसको गरम करके उसमें डाल देता है, और मैं ताजा रूटी है आपके सामने, देखो तो सही, देखो ना उसका जल्दी बिक जाता है, और मैं रात को 2 बजे तक यहाँ पर बैठा रहता है, इसके सिर्फ किस्मत की बात होती है, अब तुम ही बताओ मैं और क्या करूँ, मैं अच्छा आलू डालता है, गरम रूटी डालता है, सलाद डालता है, अच्छी गोभी डालता है, और मैं क्या डालूं इसके अंदर, अच्छा मैं
चुप करके खा रहा हूँ कि चल बोल रहे हैं अपना दिल का दुख, पता नहीं कितना दुखी है वो, मेरे साथ हल्का कर रहा है। मैं भी हाँ जी बस अल्लाह से दुआ करें जी। हाँ जी 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 जी। दूसरा मुझे भूख लगी है, तीसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मतलब और भी जिंदगी में बड़े मसले होते हैं ना। एक तुम्हारा भाभी का टेक्स्ट आ रहा है वहां से बार बार, काश कोई टाइम आए कि मैं ये भी कह सकूं, फिलहाल नहीं था। कैसा दिया? नहीं दिया अच्छा हिंट। अच्छा खैर एनीवे, अच्छा अभी कोई ऐसा सीन नहीं था, आई होप कि कभी ऐसा वक्त आए। सो खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैं जी 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 सर जी बिल्कुल जी हाँ जी 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 जी। उसने तीसरी दफा जब मुझसे पूछा ना, बिल्कुल मैं अपने सेकंड लास्ट नवाले पे था भाई। आप खुद बताओ ना, देखो ना मेरे पास चूता जगह है तो इस वजह से मेरा चीज नहीं बिकता है। मैं गरम रोटी डालता है, मैं अच्छा आलू डालता है, मेरा क्यों नहीं बिकता है? मैंने कहा लाला इसके अंदर ना अच्छी नीयत भी डाल दे। कहता क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं जिगर, पकड़ पैसे मैं गया। सो समटाइम आप सब कुछ डालते हैं, नहीं डालते हैं तो अच्छी नीयत नहीं डालते हैं। अच्छी नीयत डाल दें और फिर जादू देखें। Here comes the king of folk music, मेरा अपना most favorite singer. अगर आप मुझसे पूछे ना कि यार आपके चंद पाकिस्तानी जो favorite singer है उनमें से कौन है, तो top 3 में ये बंदा आता है। Yes, I'm talking about the शेरे पंजाब, पंजाब दा जट, शेर गबरू शेर पंजाब दा, इनू किसे नहीं पानी नथ। Yes, I'm talking about आरिफ लोहार। मोहब्बत दिल चों को लेके नहीं जांदे, मोहब्बत दिल चों को लेके नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेके नहीं जांदे। मोहब्बत ने मजनू मुका सा बनाया, मोहब्बत ने राजे मुझो की बनाया, मोहब्बत ने लुटे ते हो जान दीवाने। जिस तन लगदी है ओ तन जाने, जिस तन लगदी है ओ तन जाने, नंगे पिंडे मेरे मार ना छमका, मेरे रोंदे नैन नुमाने, नंगे पिंडे मेरे मार ना छमका, मेरे रोंदे नैन नुमाने, मेरी एक लगी तू रोंदा है, जेनिया मेरिया लगिया तू एक लगे तेनू ते तू जाने। तेनू एक लगी ते तू रोंदा है, तेनू एक लगी ते तू रोंदा है, जिन्ने मेरिया लगिया वो तेनू एक लगे ते तू जाने, जिस तन लगे ओ तन जाने। अब आगे कहीं पर हम जाने लगे हैं, कहीं पर हम जाने लगे हैं। फास्टन योर सीट बेल्ट। मोहब्बत जुलेखा नू भी आजमाया, मोहब्बत ने साबत बुल्ला नचाया, मोहब्बत की दुनिया में दस्तूर वखरे, मोहब्बत की नकरी ते मजबूर वखरे, मोहब्बत की नाम दी कदूरत मिटावे, मोहब्बत की बंदे नूर अपना मिलावे, मोहब्बत ने यूसुफ नू मिसरे वकाया, मोहब्बत जुलेखा नू भी आजमाया, मोहब्बत के वखरे। हाय 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 हाय, इसलिए कर रहा हूँ। 70 उतरती हुई नजर आई है, 70 अब आपके हवाले कर रहा हूँ। 70 उतरती हुई नजर आई है, 70 आपके हवाले कर रहा हूँ। 70 आप तक पहुँच जाए, दिल पर दस्तक दे, हाथ बुलंद हो, बुलंद हाथ से दुआ कीजिएगा। 70 पहुँच जाए, हाथ बुलंद ना हो, वही हाथ दिल पे रखें, दिल पत्थर का तो नहीं। अब जरा देखिएगा मोहब्बत ने क्या क्या किया। एक लाइन यहाँ से आई है, मोहब्बत
मोहब्बत ने यूसुफ नू मिसरे विकाया, मोहब्बत ने यूसुफ नू मिसरे विकाया, मोहब्बत ने जुलेखा नू भी अजमाया। अब ये तीसरी लाइन आपके हवाले है, मोहब्बत ने हैदर नू खैबर बुलाया। मोहब्बत ने हैदर नू खैबर बुलाया, सलामत रहे आप, सलामत रहे। सलामत रहो, सलामत रहो। हमारे साथ मौजूद है, स्टार्टिंग से ही शो बहुत अच्छा है, थैंक यू जी। राहिला चौधरी हमारे साथ है, राणा हमारे साथ है, सनिया फ्रॉम गुजर खान। चलें जी यहां से कुछ और बिलोंग करते हैं ना, दलील देते हैं ना, दलील देते हैं ना। अभी चुके जब मैं क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा था तो मुझसे एक सवाल पूछा गया, तो सवाल ये पूछा गया कि जिशान अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाबर आजम या विराट कोहली तो आपकी चॉइस क्या होगी। मुझे नहीं पता है कि सवाल पूछने वाले ने मेरा जज्बा हुबल वतनी जज करने की कोशिश की है, या वैसे ही क्रिकेटिंग सेंस जो है वो पूछना चाहिए, या क्रिकेटिंग जो मेरी चॉइस है वो पूछनी चाहिए। सो इन एनी केस मुझे कोई इशू नहीं है, बिकॉज दिस जस्ट अ गेम ऑफ द क्रिकेट। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं स्ट्रेट अवे कहूंगा इस मौके पर आई एम ऑलवेज अ फैन ऑफ विराट कोहली। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम अच्छे बैट्समैन नहीं है, वो एक सुपर स्टार बैट्समैन है और आने वाले दौर के लेजेंड्स में उनका शुमार होगा, लेकिन जो क्लास विराट कोहली की है चेजिंग में वो लैक करते हैं, उसके ऊपर अगर काम करें। देखिए बात फिर वही है कि विराट कोहली को पैदाइशी तौर पे तो इतने विराट कोहली पैदा नहीं हुए ना, कि मतलब वो पैदाइशी तौर पे शुरू से वो ऐसे थे। ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ, मतलब ही ट्रेन्ड हिमसेल्फ। आप जरा उनके इंटरव्यूज देखें, उनकी जो सारी वो है यू नो पूरी उनकी जर्नी है वो देखें। तो इवन बाबर आजम वर्क करते हैं और कर रहे हैं और बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, टैलेंटेड हैं, तो वो भी उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। लेकिन यहां पर एक थोड़ी सी मिसाल देता हूं, आपने 10,000 रन किए ये मैटर नहीं करता, आपने किस सिचुएशन में किए वो मैटर करता। आए हाय, मैं किसको सुना रहा हूँ, कौन सुन रहा है, मैं बात खोल दूं ना तुम्हारे सुनने का मजा ना मेरे सुनाने का मजा। आपने 10,000 मारे, किस सिचुएशन में मारे ये मैटर करता है। और आसान करता हूँ, आप किसी के साथ खड़े हो गए जब उसके साथ सिर्फ गिनती के 3 या 4 बंदे थे, ये मैटर करता है। ये मैटर करता है कि जब उसने पूरा शहर फतह कर लिया आप तब उसके साथ खड़े हो गए। इसी तरह इट्स नॉट अबाउट हाउ मच रन यू मेड, इट्स अबाउट इन विच सिचुएशंस यू हैव मेड। आप खड़े रहे, हाँ मैं अपने जुमलों का नहीं हरफों का जामिन हूँ, आप खड़े रहे मैटर नहीं करता। वो वक्त मुश्किल का था या नहीं, उस वक्त खड़े रहे या नहीं, ये मैटर करता है। आपके
आपकी पिंडलियों में जोर नहीं था, आपके बाजुओं में जोर नहीं था, आपके मुकाबिल आपसे उम्र में ज्यादा थे, आपसे ताकत में ज्यादा थे। आपने तब साथ दिया, आपने तब साथ दिया जब साथ देने वाले के पास ताकत भी थी, इख्तियार भी था। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। अरे खैबर उखाड़ने के लिए मेरे मौला ने अपनी आस्तीन पलटी, जमी समझी फलक पलटा, फलक समझा जमी पलटी। वाह 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 वाह, जनाब मैं अच्छी चीज का कायल हूँ, चाहे मेरे से छोटा ही क्यों ना मुझे अता करे। मैंने कमेंट देखा है, मोहम्मद मुस्तफा ने कमेंट किया है, कहते हैं मोहम्मद ने मोहब्बत ने मोहम्मद इच मोहब्बत ने मोहम्मद अहद इच बचाया। वाह 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 वाह, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग। मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, धमादम धमादम मस्त। एक और जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, पहला नंबर धमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाज कलंदर। अली ने सफी ने चली ने खाया, धमादम आहा, सखी शाबाज कलंदर। जहरा की दुआओं का आकाश ना कहना, दुश्मन अली ना कह दें तो अब्बास ना कहना। धमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर धमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाज कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में जिंदा होके, जिंदा होके, जिंदा होके। पत्ते रतियों बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवल दा सखी शाबाज कलंदर। धमादम 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 मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर धमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाज कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालने आयो बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवल दा सखी शाबाज कलंदर। धमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर धमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाज कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, हिंदी सिंध पिला तेरी नौबत बाजे, नौबत बाजे, नौबत बाजे, नौबत बाजे, नौबत बाजे, जलना जाना न तेरी नौबत बाजे, जलने जाना न तेरी, जलने जाना न तेरी, जलना जाना न तेरी, धमादम 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 मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर धमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाज कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, हैदरी उम कलंदर मस्त बंदा है मुर्तदा अली हसन बेशिवाए तमाम रिंदा न के सके कुवशेरे, हैदरियम कलंदरम मस्तम वंदाय मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम, पेशवाए तमाम रिंदानम, पेशवाए तमाम रिंदानम, सगे कुए शेरे यजदानम अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यजदानम। ऊंचा रोजा पीरा तेरा, ऊंचा रोजा पीरा तेरा, हेट वगे दरियाओं बला झूले लालन
जनाब वादे के मुताबिक आज की लेटेस्ट पिक्चर जो है वो अपलोड हो चुकी है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो हाँ बिल्कुल मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। इंस्टाग्राम पे जाके जिशान नासिर लिखेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा। एक्सक्यूज ये क्या कौन से दो वर्ड्स मैंने मिक्स किए पहले तो मुझे ये जानना है। अगर एग्जैक्ट आईडी चाहिए तो वो है जनाब ZEESHANASIR26 जिशान नासिर 26 जिशान नासिर 26 दैट इज एग्जैक्ट एड्रेस ऑन माई इंस्टा। वैसे जिशान नासिर भी लिखोगे तो इंस्टा पे आईडी मिल जाएगी, वहां पर जाकर बिल्कुल देख सकते हो पिक्चर जो है वो हमने ब्रांड न्यू पिक्चर हैज बीन अपलोडेड। थोड़ा नेट स्लो है तो जरा दो मिनट, खैर है हो जाती है कोई मसला नहीं है। सो द ब्रांड न्यू पिक्चर हैज बीन अपलोडेड ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टा भी हुई है इस वक्त, जस्ट जाओ यू कैन सी, हो चुकी है जी। जी साथ साथ पढ़ते हैं आप लोगों के मैसेजेस और उसके बाद जाएंगे कमेंट्स की जानिब। जोया शो पहली बार सुन रही हूँ, क्या आप रियल में भी ऐसे ही मजेदार हैं? रियल में नहीं यार, इधर से निकलने के बाद मैं जरा तब्दील हो जाता हूँ, प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता हूँ। मतलब जैसे ही बंदा रियल होता है वैसे तो रेडियो पे होता है, ठीक है 19-20 का फर्क होता है, लेकिन हाँ अगर मैं टीवी पे होता तो आप कहती कि क्या आप रियल लाइफ में भी इतने अच्छे हैं, मतलब इतने प्यारे लगते हैं। बाकी रेडियो पे तो आपने शक्ल मेरी देखी नहीं है अगर वैसे, हाँ सोशल मीडिया पे देखी है। सो हाँ कुछ तस्वीरों पे फिल्टर भी होता है, कुछ पे नहीं भी होता है, लेकिन फिल्टर भी तभी अच्छा लगता है ना जब आप खुद अच्छे होते हैं। मतलब आई टोटली बिलीव ऑन दिस ना, फिल्टर भी आपको तभी प्यारा कर सकता है जब आपके अपने अंदर कुछ हो ना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बाकी अगर आपको मैं अच्छा लगा तो बहुत शुक्रिया आपका। इंस्टाग्राम पे आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो गेम हम खेलेंगे अब से कुछ देर बाद। आर आई एम गोना प्ले नंबर, अगर चल जाता है तो भाई चल जाए यार, चल जाए, चल गया चल गया चल गया। Do I sound a little cheesy? कोई बात नहीं, चीज खानी चाहिए बंदे को, वैसे भी मजेदार होती है। Where's the money?
Let's dance. Oh, yeah. Buy it. And if you can't hide it, cause if you must decide it, then you must know the system that it's love for. यार एक और मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने देखना हो ना कि पार्टनर गोल्स क्या होते हैं, मतलब पार्टनर गोल्स, यू नो व्हाट द एक्चुअली पार्टनर मींस, किसी का पार्टनर होना क्यों जरूरी है, या क्या मतलब क्या क्या गोल क्या होना चाहिए पार्टनर होने का ना. सुन ले तो अभी अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, तो जरा अनुष्का शर्मा की इंस्टाग्राम आईडी सर्च करें और देखें कि उन्होंने विराट कोहली के हवाले से क्या लिखा है. अभी सुन ले थे बंदा थोड़ा जा लेट क्यों ये थे बैठे हैं. जानू बात सुने, आप मेरी तरफ चेहरा क्यों नहीं कर रहे हैं. ये लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही है आपकी शर्ट से. ये इतने बड़े बाल मेरे तो नहीं है, मतलब पाकिस्तान में तो मैं क्या बताऊं, अगर तो चलो बाल शर्ट से मिल जाए ना तो फेंटी पक्की है, और अगर बाल ना भी मिले ना फिर पता क्या कहते हैं, कौन है वो गंजी. सुन ले तेरे संग दुनिया, सुन ले सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है. सुन ले सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है. क्या कभी ये तूने कि मैं तेरा कौन हूँ, सोचा क्या कभी ये तूने कि तू मेरी कौन है, मेरी दुनिया में तेरी तस्वीर है बनी, तेरी दुनिया में मेरी कभी भी ना थी कमी, खुद को बचाए रे हमसे छुपाए रे, ऐसा करना बेकार है. नहीं जाए देख ले फिर मानते हैं कि नहीं, तुमसे ही हमको प्यार है. उसके ऊपर शक कर भी नहीं सकती, वो दुनिया के सामने खेल रहा है. अरे यही तो फिर प्रॉब्लम है ना. अच्छा दो मिनट सोचा क्या, मैच कितने बजे खत्म हुआ था, ऑलमोस्ट चार बजे, साढ़े चार, चलो पांच बजे खत्म हो गया था. कभी तो 5 बजे से लेके अब तक वो कहाँ है, आपने सोचा कौन है. मैं बस तस्वीर है बनी तेरी दुनिया में मेरी कभी भी ना थी. किसी फेसबुक से कमेंट शामिल करते हैं, रवीर तानी हमारे साथ है, माहीन अरशद हमारे साथ है, दर्शिल अली हमारे साथ है, आजान अली हमारे साथ है, माशाल्लाह गॉट अ नाइस नेम, माहीन अरशद हमारे साथ है, किरण राहिल हमारे साथ है, तनवीर तानी हमारे साथ है, नूर खान हमारे साथ है, मरियम मुकद्दस हमारे साथ है, सारा मलिक इज देयर, उजाला खान हमारे साथ है, रुबाब मलिक हमारे साथ हैं, तैमूर हसन हमारे साथ हैं, मरियम मुकद्दस हैं, कब से क्या है क्यों है कैसे ये पता न था न है, पर ये जाने हम के तुमसे है, हमने जो कहा वो तुमने सुन के भी नहीं सुना, पर तेरा ना सुनना भी क्यों है हमको है पता, आजमाए रे समझ.
समझ न आए रे ऐसा करना ही के प्यार है दिया नहीं जाए रे तेरे लिए गाए रे तुमसे ही हमको प्यार है हो दुनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार देखो बात ये ना कि सुबहार है दिया नहीं जाए रे तेरा माहौल को तब्दील भी करते हैं टेंशन नहीं लेनी मैं बैठा हूँ जब कहेंगे माहौल उठा देंगे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे तुमसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो वो कहता है कि आई लव यू कहते हैं अगर पंजाबी में कहना हो तो कहते हैं कि पंजाबी में कहेंगे मैं तेरे नाल प्यार करदा तो कहते हैं कि अगर बंगाली में कहना हो तो कैसे कहेंगे तो कहता है कि बंगाली में कहेंगे कि तुम्ही को मैं भालो भाषे तो कहते हैं कि अगर उर्दू में कहना हो तो फिर कैसे कहेंगे कहते जी उर्दू में कहना हो तो कहेंगे कि मुझे तुमसे उल्फत है मुझे तुमसे मोहब्बत है कहता है कि अगर सराइकी में कहना हो तो कहते हैं कि मंडा यार पैरां दी धूल अगर अपना सुरमा बनावे तो मन वैसे कि मैनू तेरे नाल मोहब्बत है मंडा यार तेरे पैरां दी धूल अपना सुरमा ज बनावा वत मन वैसे मैनू तेरे नाल मोहब्बत है उची पहाड़ी थले मुर्गाबियां लाईबा क्या मजे का गाना है ना कहता है कि उची पहाड़ी थले मुर्गाबियां लाईबाजी हां चिंपैंजी कोई हाल नहीं है यार उची पहाड़ी थले मुर्गाबियां लाईबाजी कहता है कि वतन छुड़ाए हजे दुखियां ते नहीं राजी उची पहाड़ी हले मुर्गाबियां लाई बाजी वतन छुड़ाए हजे दुखियां ते नहीं राजी वतन छुड़ाए मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि वर्कआउट कर रहा होगा बाबियां लाई बाजी वतन छुड़ाए अजे दुखियां पे नीराजी वतन छुड़ाए अजे दुखियां पे नीराजी अब आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं टाइम कम है मुकाबला सख्त है तो अब आप मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं मैं वहां से डायरेक्टली ऑन एयर पढ़ूंगा और आप इंस्टा पे जिशान नासिर लिखें मैं आपको मिल जाऊंगा और वहां पे मुझे मैसेज करें करना चाहते हैं तो अभी ऑन एयर पढ़ रहा हूँ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सैयदा हिना हमारे साथ हैं किरण राहील हमारे साथ हैं मरियम मुकद्दस हमारे साथ हैं कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आरशे वालेकुम अस्सलाम परिवज निशान हमारे साथ हैं रूप फातिमा इस्तारिक हमारे साथ हैं हिजाब गर्ल हमारे साथ हैं शहजादी हमारे साथ हैं आयत कुरैशी हमारे साथ हैं सबा बतूल जैदी हमारे साथ हैं लुबना मलिक हमारे साथ हैं कह रही हैं हेलो हेलो सिद्रा खान हमारे साथ हैं तनवीर तानी हमारे साथ हैं कह रही हैं शो बहुत अच्छा जा रहा है मजा आ रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है लबे शीरी सा लग रहा है
सलमा मीर हमारे साथ मौजूद हैं एंड कैन रीड एंड रिप्लाई जी कर दिया जी। युश्रा हमारे साथ है, कैरी नाइस शो, थैंक यू सो मच युश्रा। तारा मलिक हमारे साथ है, वजीहा अजीज हमारे साथ है, सेना सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम वजीहा। आशु हमारे साथ मौजूद है, इमन सत्ती हमारे साथ है, सना इश्फाक है, हमजा सईद सिंह, शानी भाई आज शाल का वलीमा है, शी सैद आपको बता दे उसको बेस्ट विशेस दे दें, नहीं तो उसका वलीमा है तो मुझे क्यों बता दे, मतलब समझ नहीं आई मुझे, और तुम्हें क्यों उन्होंने कहा कि तुम मुझे बताओ, वो खुद क्यों नहीं बता सकती मुझे कि उनका वलीमा है, मुफ्त में क्या है, ठीक है ना, होगा वलीमा, हमें क्या लेना देना, हम प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे, हम नहीं बोलते शाल तुमसे, वलीमा भी कोई करने की चीज होती है। मानूर ज़िया हमारे साथ है, चौधरी किरण जमान हमारे साथ मौजूद है, किरण जमान फ्रॉम तरबेला, मैं हॉस्टल में आपका शो सुन रही हूँ, मेरी सिस्टर्स भी आपका शो सुन रही हैं, कवल, मोमिना एंड मदीना, क्या खूबसूरत नाम है आपकी सिस्टर्स के यार। चांद बीबी हमारे साथ मौजूद है, ये तेरी चांद बालियां, ये होंठों पे हैं लालियां, ये तेरी चांद बालियां, ये होंठों पे हैं गालियां, ऊंची पहाड़ी। चौधरी हमारे साथ है, राबिया मुगल सिंह, बॉस वेयर इज द सेकंड वन, केड़ी छुड़ाए अजय दुखिया। अच्छा कह रही है जी, आपने कहा था 1 बजे पोस्ट करूंगा, 6 मिनट लेट हो गया तो अब 2 करें। अच्छा अच्छा पूछ रहे हैं दूसरी भाभी कहाँ। सफरेश का हमारे साथ, टुडे माय फर्स्ट मैसेज इन योर प्रोग्राम, थैंक यू जी। गुलशन बशीर हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने मेरा स्केच बनाकर भेजा है मुझे, थैंक यू सो मच जी इतनी मेहनत के लिए। ईमान अंजुम हमारे साथ है, सोनिया फरहाद हमारे साथ मौजूद है, मुकद्दस नबी हमारे साथ हैं, फरानाज हमारे साथ मौजूद हैं, सना इकबाल हमारे साथ हैं, अमीर कह रही है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अबाउट इस्तखारा, हमें इस्तखारा कब करना चाहिए, कोई काम शुरू करने का इरादा किया फिर या आधा काम कर लिया फिर, फॉर एग्जाम्पल एक लड़के ने लड़की को पसंद किया, ये जब मैंने मैसेज पूरा पढ़ा ना तो सब लोग बैठे होंगे, जब ये वाला पार्ट आया ना, एक लड़के ने लड़की को पसंद किया तो सारे जो लिसनर्स उन्होंने पता क्या होगा, अभी मजा आएगा ना बीड़ू, ये वाला सीन है। अच्छा कहती हैं जी के फॉर एग्जांपल एक लड़के ने लड़की को पसंद किया, उससे इजहार करने से पहले इस्तखारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इंसान मेरे हक में बेहतर है कि नहीं, या बगैर इस्तखारा किए इजहार कर देना चाहिए, फिर साल बाद अचानक से इस्तखारा करना चाहिए, क्या ये सही है। अच्छा देखें बात यह है कि इस्तखारा एक ऐसा अमल है जो सबसे पहले तो आपको खुद करना चाहिए, ये याद रखिएगा, खुद करें, उसका जो तरीका कार है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत खूबसूरत और बड़े आसान अंदाज में बयान फरमा दिया है, तो सबसे पहले तो खुद करें, क्योंकि जितनी दिल के साथ आप अपने लिए खुदा से मशवरा मांग सकते हैं या खुदा से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले करें या बाद में करें वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है जो हम लोग नहीं समझते हैं अमूमी तौर पर वो ये है कि जब आपने इस्तखारा कर लिया है, अगर तो नहीं किया और अल्लाह पे तवक्कल करके कोई काम करना चाहते हैं फिर तो कर लें अगर आपकी किसी काम में मर्जी है, लेकिन अगर आपने इस्तखारा कर लिया है तो फिर आपने उस इस्तखारे पर अमल भी करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अल्लाह से मशवरा कर रहे हैं और अल्लाह आपको इशारा दे देता है कि ये काम आपके लिए ठीक नहीं है लेकिन आपका दिल चाह रहा है फिर भी आप वो काम कर लेते हैं, तो एक तो मतलब चले वो काम आपके हक में वैसे ही ठीक नहीं है, आपको वो इशारा मिल गया, दूसरा ये कि आपने फिर इस्तखारा किया, फिर खुदा से मशवरा क्यों किया जब आपने खुद ही एक बात करनी थी, तो दिस इज व्हाट आई बिलीव ऑन। और इस्तखारा सिर्फ तब करें जब आपको अपने ऊपर इतना इख्तियार हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने लड़का और लड़की का भी जिक्र किया, अमूमी तौर पर यह होता है कि इस्तखारा करते हैं गलत भी आ जाए तो कहते हैं जी अगर लड़का अमीर होना तो इस्तखारे भी ठीक ही आते हैं, मतलब वो गलत भी हो तो कहते हैं जी ठीक है जी आगे चल के बच्चे सेट हो जाएंगे, क्यों सेट हो जाएंगे भाई, या तो आपने करना ही नहीं था, ठीक है ना करें, मतलब अल्लाह पे तवक्कल करके ठीक है जी बच्चे आगे चल के ठीक हो जाएंगे, तवक्कल करें और बिस्मिल्लाह करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने इस्तखारा कर लिया है और वो कहीं ऊपर नीचे हुआ है थोड़ा सा तो फिर चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं, तो पहले करना या बाद में करना ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है या इतना बड़ा सवाल नहीं था, सही सवाल या बड़ा सवाल मेरी नज़र में जो है वो ये है कि जब आपने इस्तखारा कर लिया है तो फिर उसके बाद जो भी मामला होता है उसके ऊपर आपको चलना भी है।
So, here we go. हम सफर जब जुदा नहीं होता, रास्ता रास्ता नहीं होता, लोग मेरा बुरा तो चाहते हैं, चाहने से बुरा नहीं होता। तुमने देखी नहीं मेरी हालत, तुम जो देखो तो क्या नहीं होता। आसमां पर खिजा नहीं आती, दिल का मौसम हरा नहीं होता। दिल ने ताजा दुआ रवाना की, हिजर में मौजा नहीं होता। शाम है जाम है तू है ऐसी कया, शाम है जाम है तू है लेकिन रोज ये सिलसिला नहीं होता। लोग मेरा बुरा तो चाहते हैं, चाहने से बुरा नहीं होता। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहां। से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहां। सुने कौन मेरी ये दास्तां, कोई हम नशी है नाराजदां। जो था झूठ वो बना सच यहां, नहीं बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने इंस्टा पे अपलोड की है, फेसबुक पर नहीं की, तो मैंने अपने फेसबुक फैन पेज के ऊपर भी अपलोड कर दी है जो पिक्चर जिसका मैं जिक्र कर रहा था आज। सो जस्ट अभी अपलोड की है, अगर आप इंस्टा यूज नहीं करते फेसबुक यूज करते हैं तो मेरे फैन पेज पे अभी अपलोड कर दिया मैंने। नहीं खोली मैंने मगर
एक देहात में कच्ची मस्जिद की एक फटी हुई दरी के ऊपर बैठकर मुझे कायनात का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन राज मालूम हुआ। आप वो राज जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं आप वो राज? मोहम्मद तो सदके मैं जां कमली वाले। शहर से दूर एक देहात में कच्ची मस्जिद, फटी हुई दरी, कपकपाते हुए हाथ, लरसते हुए होंठ, बारिश बुजुर्ग फड़ ले। कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन वसीला हस्ती के हवाले से सबसे खूबसूरत राज से आशना कर गया। वसीला मोहम्मद दाना जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ ले, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ ले। ओहदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओहदे वरगा कोई जग ते सहारा नहीं। चले बताता हूँ आपको, कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे वरगा कोई जग ते सहारा नहीं। जे ना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां, जे ना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां, जिन्ने आके गरीबा दी बां फड़ ले, जिन्ने आके गरीबा दी बां फड़ ले। नाल उंगली इशारे चन तोड़िया, गया सूरज अगा वल पिछा मोड़िया। नाल उंगली इशारे चन तोड़िया, गया सूरज अगा वल पिछा मोड़िया। कलमा सो सर्दी और गर्मी की मुश्तरका एक शाम, चन तोड़िया मगरिब की नमाज के बाद फड़ ले। ओहदे बाज शहर से दूर एक छोटा सा देहात, प्यार कच्ची सी मस्जिद, ओहदे वरगा वजू भी करना हो तो आपको पंजाबी में कहते ना कि नलका रिड़कना पड़ेगा, उस तरह का नलका। ते प्यारा नहीं, ताजे और ठंडे पानी से वजू करने के बाद, नमाज मगरिब अदा करने के बाद, आखिरी रकात में सलाम फेरने के बाद, मुहम्मद ना हो उस मस्जिद के कोने में बैठे एक बुजुर्ग को मुहम्मद हाथ में कलामे खुदा लिए बैठे देखकर, जिन्ने हाथ कपकपा रहे थे, नूर चेहरे पर मौजूद था। जिन्ने आके गरीबा दी बां फड़ ले, नाल उंगली इशारे चन तोड़िया, गया सूरज अगा वल पिछा। हम सजदे बहुत करते हैं ना नमाज में, मुख्तलिफ नमाज जब हम पढ़ते हैं, फजर, जोहर, मगरिब, इशा, मुहम्मद दाना, चाश्त, जिन्ने आके तहज्जुद, बांदी बां फड़ ले, जिन्ने आके गरीबा दी बां। डिफरेंट नवाफिल पढ़ते हैं। चले मैं आज आपको एक नियाते प्यारा नहीं, शायद आपके लिए काम करे, मेरे लिए तो हमेशा करता है। नमाज से फारिग होकर सलाम फेरने के बाद जब आप नमाज से बाहर आ जाएं, फारिग हो जाएं, प्यारा सलाम फेरने के बाद, दुआ करने के बाद एक सजदा कीजिएगा। सलाम उस सजदे में सारी बातें उस जुबान में करें उससे जो जुबान आपकी है, उर्दू जुबान है आपकी, अंग्रेजी जुबान है आपकी, फारसी जुबान है आपकी। आपने नमाज को मुकम्मल कर लिया, दुआ पढ़ ली, मस्जिद से बाहर आने से पहले, मुसल्ले से उठने से पहले इस सजदे में जाएं और जो आपकी जुबान है ना, जो आपकी मादरी जुबान है, उसमें उससे गुफ्तगू करें सजदे की हालत में। सजदा थोड़ा सा तवील हुआ और मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना जिन्हें आके गरीबा दी बां फड़ ले,
जिन्हें आके गरीबां दी बांह सजदा थोड़ा सा तवील हुआ वो करीब आए मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद कहा मियां क्या मांग रहे हो जिन्हें आके गरीबां दी बांह फड़ ले बेसाख्ता मुंह से निकला के गरीबां दी बुजुर्ग इस दुनिया में इंसान जो भी कर रहा है इसी कोशिश में तो कर रहा है ना कि कुछ ऐसा मुझसे हो जाए कि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे मुहम्मद दाना जिन्हें खुदा जाने गरीबां मेरे अल्फाज में मेरी जुबान में वो तासीर है या नहीं जिन्हें लेकिन जो पैगाम है जो राज है मेरी खुदा करे वो एज इट इज आप तक पहुंचे जिस तरह मैं पहुंचाना चाहता हूँ मुहम्मद दाना जिन्हें आके गरीबां बेसाख्ता मुंह से निकला के जनाब इंसान इस दुनिया में यही तो कर रहा है ना गरीबां दी बांह चाहे इबादत करे चाहे माल और जर खुदा की राह में दे चाहे रोजे रखे कुछ भी करे बस वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए उससे जिंदगी में कि अल्लाह खुश हो जाए और जन्नत दे दे बख्शिश वसीला मुहम्मद बुजुर्ग ने अपने बारिश चेहरे पर हाथ फेरा ऊपर निगाहें उठाई और कहा कि जन्नत ना मांगो जिन्हें आके जन्नत ना मांगो बांदी बां फड़ ले ओदे बाजों कोई दुन मोहम्मद को मांगो प्यारा नहीं ओदे वरगा कोई जगते इस जुमले ने ये तो एहसास दिला ही दिया था कि मेरी बख्शिश वो बुजुर्ग बात करने आए नहीं हैं लाए गए दाना जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ ले जिन्हें आके एक शेर है ना कि बां फड़ ले भले हैं या बुरे हैं कोई दुनिया भले हैं या बुरे हैं चंद दिन हम भी तेरे साथ चले हैं कोई जगते इतना तो अंदाजा हो ही गया था मद दाना मेरी बस लरसते हुए हाथ को हाथ में थामा और कहा कि मद दाना जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ ले क्या कहना चाहते हैं दोबारा कहिए ना आके गरीबां दी कहा बच्चे मैंने कहा कि जन्नत ना मांगो मोहम्मद को मांगो कोई दुनिया मोहम्मद मिल गए तो सब मिल जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जगते सा एक सवाल करूं तुमसे ओदे बाजो कोई मैंने कहा जनाब हुक्म करें प्यारा नहीं कहा मुझे एक बात बताओ कि मोहम्मद ना होते तो क्या होता नहीं जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदे मैंने यही जवाब दिया मैंने कहा मोहम्मद ना होते तो कुल कायनात ही ना होती दुनिया ही ना होती कायनात ये बज्म सजाई गई है उनके लिए मददाना मेरी बख्शिश थोड़ी देर खामोश रहे लामू शायद दाना वो जवाब सुन सुनकर गरीबां दी बां फड़ शायद वो जवाब सुनना चाहते थे गरीबां जो जवाब वो मेरे दिल में उतारना चाहते थे बहुत खुदा जाने फिर वो जवाब मैं आपकी जाने भेजना चाहता था बार कैफ जगते उन्होंने कहा चलो मैं अपना सवाल तब्दील करता हूँ मुझे ये बताओ कि अगर अभी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबां अपना जलवा उठा लें इस दुनिया से अपना नूर उठा लें इस दुनिया से तो क्या हो बांदी बां फड़ ले ओदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं ये सवाल मुश्किल था वरगा कोई जग ते सहारा नहीं ओदे बाजों कोई दुनिया अगर सच पूछे तो मैं चाहता था कि जवाब भी वहीं से आए जहां से सवाल आया है मेरी बख्शिश वसी कुछ देर खामोश रहे मुझे ये एहसास हुआ कि जहां से सवाल आया था वहीं से जवाब उनको मौसूल हो रहा है जैसे उनको मौसूल होगा वो मुझे दे देंगे जब मुझे मौका मिलेगा मैं किसी और को दे दूंगा हम सब तो डाकिए हैं ना खत तो कहीं और से आता है कोई दुनिया ते प्यारा नहीं कुछ देर के कोई वक्फे के बाद सहारा और उस चंद मिनट के वक्फे में ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो ऊंग रहे हैं जैसे वो कुछ नींद में चले गए अक्सर बुजुर्गों के साथ होता है ना बात करते करते एकदम खामोश हो जाते हैं
फिर वहीं से बात को शुरू करता हूँ। तो मैंने कहा बुजुर्ग आप फरमा रहे थे कि अगर अभी मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद रसूल खुदा अपने नूर को इस दुनिया से उठा लें तो क्या हो, बताइए ना क्या हो। गरीबांदी फरमाते हैं कि रसूल खुदा अगर अपने नूर को इस दुनिया से उठा लें तो ये दुनिया कोमे में चली जाए। फड़ ले बहुत बाजों कोई दुनिया प्यारा। मैंने कहा बुजुर्ग वो कैसे वर्गा कोई जगते सहारा नहीं ओहदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं ओहदे वर्गा कोई जगते सहारा नहीं। कहा तुम सफर पे जाते हो ना, मैंने कहा मदना होंदा जा। कहा बाज मकामात ऐसे भी हैं जहाँ पर उनके लिए सफर पे जाते हो ना जिन। कहा बाज मकामात ऐसे भी होंगे किसी शहर में जाते हो और फिर अचानक याद आता है कि इस शहर में तो कुछ मकाम ऐसे हैं जहाँ पर जाना जरूर चाहिए, सोच आती है जहन में। मैंने कहा बाजों कोई दुनिया। तो कहते हैं कि वो सोच कौन देता है जहन में, अगर वो सोच जहन में ना आए तुम तो कोई अमल ना करो। जहन तभी काम करता है जब सोच आए ना। ओदे वर्गा कोई जगते सोच कौन देता है। नहीं जे ना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां। कांधे पे हाथ रखा कहा पुत्र दे मुहम्मद ना रसूले खुदा ना होना जिन्ने आके अपना जलवा नूर इस दुनिया से चंद लम्हात के लिए भी उठा लेना। जिन्ने आके इस कायनात की हर शह कोमे में चली जाए। शर्मिंदा कर दिया इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी जी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया जिस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग पढ़ते होंगे, पढ़नी चाहिए भी और मुझसे ज्यादा ही रेगुलर पढ़ते होंगे, लेकिन स्टिल चले आप समहाउ मेरी मानते हैं तो मैं एक और अंदाज में आपसे ये कहना चाहूंगा कि कोई पढ़े ना पढ़े, कोई पढ़े ना पढ़े, अगर आप अपने आप को कहते हैं कि हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली अस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम सगे कुए शेरे यजदानम, और कोई पढ़े न पढ़े आपने पढ़नी है क्योंकि इसकी बहुत भारी कीमत अदा की है इमाम अली अलैहिस्सलाम और उसके बच्चों ने।
हाय पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था, पहले मुझे कौन जान मैं शिद्दत आतिशे जिंदगी से मर गया होता, मैं आतिशे शिद्दत जिंदगी से मर गया होता, जल गया होता, किसी ने बहुत प्यार से मेरे माथे पे हाथ रखा है। मेरा नाम जिशान नासिर है, मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमे रात की रात 10 से 12, हर जुमे की रात 10 से 12 और हर इतवार की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। फीडबैक देने के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सबसे करीबी और सबसे तेज तरीन तरीका है। इंस्टाग्राम पे जाके जिशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। थ्रू मैसेज मुझे आप अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZESHANNASIR26, यहाँ पर जाकर थ्रू मैसेज मुझे आप अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रो कर मांगना पड़े तो जरूर मांगिए इस गम को, खुश नसीब है वो आंख जो गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन दूहा जहाना दाओ साडा जामन, वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जगियो सारी मैं आपके साथ हूँ, कहीं जा नहीं रहा, बस ये फॉर्मेलिटीज पहले कर लेता हूँ ताकि आखिरी कलाम आपके साथ मिलकर सुन सकूँ। रंग है आज रंग है
पायो निजामुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया मस्तो कलंदरम दर बंदे हैदरम हाथ बांधे खड़े हैं उसके दर के बाहर मस्तो कलंदरम दर बंदे हैदरम के खत्म हुई मुर्शद That's all about today's show. अपना कासा उठाए सब झगड़े तेरे आ रहा है हक बुलंद करते हुए